आवाज तो विमलेंदु की है, लेकिन चेहरा, मेरा चेहरा ऐसा ही विकृत हो गया है। तो क्या तुम विमलेंदु? विमलेंदु तुम्हारा मित्र। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? तुम्हारे ही छात्रों की करतूतों से हुआ है। वैसे भी मरे हुए आदमी के चेहरे का कोई अर्थ नहीं होता। तो क्या तुम विमलेंदु के प्रेत? बलिदान के समय तुम क्या सोच रहे थे? बलिदान शब्द वापस ले। मैं खुद तेरी क्लासरूम में बैठा हुआ फर्स्ट ईयर का छात्र नहीं हूँ जो तेरे वजनी शब्दों के माया दर्पण में अपना चेहरा झांकने लगू। मैं शब्दों से भरे हूँ, चेहरों से भी भरे। मैं नहीं मानता, पर तुमने जो किया वो तो बलिदान था। आदर्श आवाज मत कर। वहां मेरी लाश पड़ी हुई थी और तुम लोग लेक्चर दे रहे थे। हर आदमी ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वो मेरा कितना जिगरी है। मुझ में ढूंढ ढूंढ कर वो बखान किया जा रहा था जो मुझ में कभी था ही नहीं। असलियत क्या थी तू जानता है? मैं कैसे सुनूं? मेरी मूर्खता पे तरस खा रहे थे और लगी हुई थी हरामी सालों में। इसी ओर में एक ने मेरे बाप को क्रांतिकारी कहा, तपस्वी त्यागी कहा। क्रांतिकारी सला क्या जानता था कि मेरा बाप गंजेड़ी था। तो समझे वहां किसी की जान जाए प्यारे भाई और लोग अपनी मार्केटिंग करें। तुम अपने मृत्यु पर दुखी हो? और नहीं तो मरने की उम्र थी मेरी। तीन साल पहले ही मेरी शादी हुई थी, छोटी सी बच्ची, पत्नी का उबलता प्यार, नाटक की दुनिया में नाम करने की ख्वाहिश। तो तुमने नकल क्यों पकड़ी? ओए मूर्खता, बेवकूफी का कोई तर्कशास्त्र होता है? पर जी के मालूम था कि इसके लिए सजाएं बहुत मिलेगी। पर विमलेंदु, हम लोग तो तुम्हारे बलिदान की गाथाएं गाते हैं। जिंदा हो ना प्यारे। एक बार मरो तो पता चले जिंदगी क्या है। लेकिन नकल उसकी ऐसी की मिडिल क्लास के आदमी अपनी हर समस्या को ग्लोरीफाई करेंगे। पिछले एक साल से मेरी बीवी नौकरी के लिए तरस रही है। आश्वासन सब नहीं देते, नौकरी कोई नहीं देता। क्या चाहते होता हूँ? जो तू चाहता है, मतलब प्रिंसिपल बनो।
क्या तू भी चाहता है कि तेरी मृत्यु पर महापौर की अध्यक्षता में शोक सभा हो? मैं समझौता नहीं करूंगा। देखता हूं मेरे नाटक का द्रोणाचार्य भी यही कहता था। मेरी तुलना द्रोणाचार्य से क्यों करते हो? वो तो बहुत शक्तिशाली था, मैं तो एक छोटा आदमी हूं, छोटे छोटे मोर्चों पर लड़ता हूं। बनकर द्रोणाचार्य भी बड़े बड़े वादे करता था, उसे समझ, तुझे अपने प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। या